हमारे देश में एक तरफ चुनाव सुधार के नाम पर आधार को वोटर आईडी से लिंक किया जा रहा है, वहीं इलेक्ट्रोल बॉन्ड यानी कि चुनावी बॉन्ड पर खूब पर्देदारी है जिसके द्वारा राजनीतिक दलों को गोपनीय ढंग से चंदा मिलता है और जो चंदा देता है उसे इनकम टैक्स में छूट तक मिलती है। तो प्रश्न यह है कि क्या चुनाव सुधार का सारा दारोमदार सिर्फ आधार पर ही है? इलेक्ट्रोल बॉन्ड का क्या? ये जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड है ना, ये सबसे बड़ा बाधक है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में। किसको सबसे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं जनता जान लेगी ना तो समझ जाएगी कि ये अनइक्वल फील्ड है। चुनाव सुधार बिल के पक्ष में दलील देने वाली सरकार से विपक्ष का ये दो टूक सवाल है। सवाल है कि जब जनता को अपनी पाई पाई का हिसाब बताना पड़ता है तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड से करोड़ों का चंदा किसने पार्टियों को दिया ये नाम सार्वजनिक क्यों नहीं होता? जले पर नमक ये कि चंदा देने वाले लोगों को आयकर में छूट भी मिलती है। सवाल ये कि अगर चुनाव सुधार के लिए वोटर कार्ड से आम लोगों का आधार जुड़ सकता है तो इलेक्टोरल बॉन्ड पर पर्देदारी क्यों? जब आम आदमी सोच रहा है कि सरसों का तेल डालने से पैसा बचेगा या रिफाइंड ऑयल डालने से, जब आम आदमी हर वक्त घर चलाने के लिए जेब टटोलने लगता है तब चुनाव आयोग का ही चुनावी चंदे वाला हिसाब बताता है। सियासी दलों ने 3,427 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रोल बॉन्ड से मिले दान में अकेले बीजेपी ने 2,555 करोड़ रुपए अपने खाते में पाए हैं, जबकि कांग्रेस की झोली में 318 करोड़ रुपए गए हैं। तृणमूल कांग्रेस को 100 करोड़ रुपए, डीएमके को 45 करोड़, शिवसेना को 41 करोड़, एनसीपी को 29 करोड़ 25 लाख रुपए और आम आदमी पार्टी को 18 करोड़ रुपए मिले हैं। हर दल को सियासी फंडिंग के लिए बने इलेक्ट्रोल बॉन्ड यानी चुनावी बॉन्ड से मिले चंदे का हिसाब बताता है कि जहां जनता की कमाई घट रही है वहीं सियासी दल चुनावी बॉन्ड से मालामाल हो रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता बढ़ाने के तमाम दावों पर है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी अपारदर्शी होने का आरोप लग रहा है जिससे हालात में ज्यादा बदलाव जानकार नहीं देख पा रहे। उन्हें लगता है कि इन बॉन्ड के जरिए चंदे का कानून बनने से हम एक अपारदर्शी व्यवस्था को छोड़कर एक दूसरी अपारदर्शी व्यवस्था के दायरे में आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले पर सवाल उठा चुका है। शीर्ष अदालत ने इस पर कहा कि सरकार की काले धन पर लगाम लगाने की कोशिश के रूप में इलेक्टोरल बॉन्ड की कवायद पूरी तरह बेकार है। जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बिक्री को लेकर बैंकों को कोई जानकारी नहीं दी जा रही, इससे लगता है कि यह ब्लैक मनी को वाइट करने का ही एक तरीका है। जो लोग पारदर्शी जो पॉलिटिकल डोनेशन है यानी राजनीतिक योगदान उस पर विश्वास ही नहीं करते तो उनके लिए क्या किया जाए? क्योंकि कारण क्या है कि उनको तो इलेक्टोरल बॉन्ड की जरूरत क्या है, आगे कोई व्यक्ति स्वयं समझ सकता है। तो यहाँ सवाल सीधा है और वो ये कि अगर चुनाव सुधार के लिए आम वोटर के आधार को वोटर कार्ड से जोड़कर उसकी सारी जानकारी ली जा सकती है तो चुनाव की निष्पक्षता को बनाने के लिए सियासी पार्टियाँ इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर पूरा सच क्यों नहीं बताती? आम लोगों को ये अधिकार क्यों नहीं है कि वो सियासी दलों को चंदा देने वाले अज्ञात स्रोतों के बारे में जान सके? आज तक ब्यूरो।